आज हम लोग ब्लाउज कटिंग करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास ये ब्लाउज का नाप है, इसी के नाप से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो ऊपर और नीचे का हुक को बंद करके इसे पलट लेंगे और अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। अब एक सिरे से पकड़ करके दूसरे सिरे तक इसकी लंबाई लेनी है। ये हमारे ब्लाउज की लंबाई होगी, तो आप देख सकते हैं कि ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है। इसे साइड में रख देते हैं। अब 2 इंच मार्जिन लेते हुए 15 इंच पर हमें निशान लगाना है। अब ऊपर की ओर हमें 6 इंच रख करके निशान लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि हम 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं। ये 6 इंच जो हम रखे हैं उसमें से हमारा गला की कटिंग होगी। अब बाँह की कटिंग करने के लिए बाँह की गहराई हमें 6 इंच रखनी है। तो 6 इंच रखते हुए हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर से ब्लाउज खोलेंगे और इसकी अब सीने की लंबाई देखेंगे। तो यहाँ पे सीने की लंबाई 20 इंच है। तो आप देख सकते हैं कि सीने की लंबाई 20 इंच है। तो 20 का आधा 10 होता है, तो हमें यहाँ पे 10 इंच लेकर के निशान लगाना है। 10 इंच पे हमें सीधा रख करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें ब्लाउज का कमर की लंबाई लेनी है। देख सकते हैं कि हमारा जो कमर है वह 16 इंच है। तो 16 का आधा 8 होता है, तो यहाँ पे 8 इंच रख करके हमें निशान लगाना है। तो इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब एक निशान से दूसरे निशान तक फीता को रखते हुए हमें मिला लेना है। अब यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेंगे। इस निशान को भी एक दूसरे से मिला देना है। सारे निशान को हम डार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 1.5 इंच रख करके हमें निशान लगाना है। अब इस निशान को गोलाई में हमें फिर से निशान लगा लेना है। तो हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। सावधानी पूर्वक इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है। तो इसकी कटिंग अब हो चुकी है। तो अब इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो गले पे कटिंग के लिए हमें 2.5 इंच रख करके निशान लगा लेना है और गले की गहराई हम 9 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे में भी 2.5 इंच लेकर के निशान लगाना है और गहराई हमें 9 इंच रख करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है।
हम यहाँ पे गोल गले की कटिंग करेंगे। तो 1 इंच रख करके यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसे गोलाई का शेप दे देंगे। तो अब गले की कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने लाइन ड्रॉ किए हैं उसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो सावधानी पूर्वक हमें कटिंग कर लेनी है। तो अब इसे पलट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा गोल गला कितना अच्छा बना है। तो अब आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस आगे के पल्ले की कटिंग के लिए हम जो पीछे का पल्ला कटिंग किए हैं उसी को इस पे रख देंगे और उसी के नाप से हम कटिंग करेंगे। हम यहाँ पे 1/2 इंच नीचे में कपड़ा बढ़ा लिए हैं और गले की तरफ भी 1/2 इंच हम बढ़ा करके लिए हैं, क्योंकि आगे का जो पल्ला होता है उसमें प्लेटिंग की जाती है तो इसलिए बढ़ा करके लिए हैं। अब इसे सावधानी पूर्वक कटिंग कर लेंगे। हमारा पीछे का पल्ले का कटिंग हो चुका है और आगे का भी पल्ला का कटिंग हो गया है। तो अब यहाँ पे 1/2 इंच रख करके इसमें गोलाई शेप दे देंगे और इसका भी कटिंग कर लेंगे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच से थोड़ा सा बढ़ा करके हम लिए हैं और गले की गहराई हम 6 इंच रखेंगे। तो हमने जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं उसे बढ़ा करके लेंगे और इसका लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी गोलाई देते हुए मिला लेंगे। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमें गले को सावधानी पूर्वक काटना होता है। तो यहाँ से 3.5 इंच रख करके एक निशान लगा लेंगे और ऊपर की ओर हमें 5 इंच रख करके सीधा निशान लगाना है। और 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे, वहाँ से सीधा लेकर के हमें 1 इंच पे निशान लगाना है, फिर इधर तिरछा करके 1 इंच पे निशान लगाना है, फिर बाह साइड में भी हमें 1 इंच तिरछा करके निशान लगाना है। सारे निशान को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये निशान हमारा तिरछा जाएगा तो इसे इस तरह से रखते हुए
जहाँ पे हमने निशान लगाया था उस निशान तक इसे मिला लेना है। यहाँ पे भी हमें तिरछा रखते हुए लाइन ड्रॉ करना है। तो अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें लाइन बनानी है। तो उसके लिए हम ब्लाउज के जो पीस है उसको इस तरह से पलट करके और मिला लेंगे एक दूसरे सिरे से, और उसे अच्छी तरह से दबा करके प्रेस कर लेंगे, फिर उसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का निशान दूसरी ओर भी लग गया है। तो बस उस निशान को हमें डार्क कर लेना है। तो हमारा आगे का जो पल्ला था उसमें सारा निशान लग चुका है। अब पीछे का पल्ले में हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच रख करके हम निशान लगाएंगे, और ऊपर की ओर हमें 5 इंच रख करके निशान लगाना है। हमारा ब्लाउज को पलट करके फिर दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है, नीचे की ओर 3.5 और ऊपर की ओर 5 इंच। फिर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है 5 इंच पे, इसे डार्क कर लेते हैं। अब आर्म होल को नाप लेते हैं, तो यहाँ पे 9 इंच आया है। तो अब बांह की कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को 4 फोल्ड पे मोड़ लिया है। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे, लंबाई हमें 6 इंच पे निशान लगानी है। फिर इधर साइड में भी 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, और इस निशान को सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें 6 इंच का जो निशान लगाए थे वहाँ से 3.5 इंच नीचे की ओर निशान लगाना है। अब इस साइड से हमें गोलाई शेप में देते हुए उस निशान तक मिला लेना है। अब बांह को देखेंगे कि हमारा नीचे में कितना है, तो यहाँ पे 7 इंच है। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा को एक्स्ट्रा ही रखेंगे, और उसके बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आप बांह की जो लंबाई है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें इसकी लंबाई जो है वो इस टाइप से मोड़ लेना है और यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी मोड़ करके इसका कटिंग कर लिए। अब 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके गहराई को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 2 पल्ले को लेकर के इसमें हमें कटिंग करनी है। ये आगे का भाग आएगा, इसे जब ब्लाउज सिलेंगे तो उस टाइम पे आगे की ओर इसको रखेंगे।
तो यहाँ पे हम मार्जिन कर लेते हैं ताकि जो ब्लाउज है, ब्लाउज का जो बाँह है वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। अब गले में पट्टी लगाने के लिए हमें कटिंग करनी है, तो गले की पट्टी के लिए हमें तिरछा कटिंग करना होता है, इसे रेब कटिंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से 1 इंच का पट्टी हमें तैयार करना है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, सावधानी पूर्वक इसे भी काट लेते हैं निशान जो लगाए थे उस निशान के ऊपर से। इसी तरह से अब हमें दूसरी पट्टी भी निकाल लेनी है। ब्लाउज का गला बनाने के लिए तिरछा पट्टी जो रहता है उससे गला बनाने से बहुत ही अच्छा गला बन करके आता है। तो गले की पट्टी की हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे कज बनाने के लिए, कज पट्टी जो बोलते हैं उसको बनाने के लिए कपड़ा यहाँ पे निकाल लिए हैं। इसी तरह से हुक जिधर साइड में लगता है उसके लिए भी हमें इसी तरह से पट्टी निकाल लेनी है। आप इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच रख सकते हैं, और लंबाई जितना ज़रूरत हो उस अनुसार से इसे रखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। ये पीछे का पल्ला है, ये आगे का पल्ला है हमारा। ये बांह है, ये गले की पट्टी है, और ये बटन पट्टी और कच पट्टी है। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुआ।